हे गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अलविद अच्छे ही रहना। दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। देखिए मौसम कुछ इस तरह से आया है दोस्तों, बहुत ही मस्त तरीके से। दोस्तों ये देखिए काफी ज्यादा दिनों के साथ दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों लगभग 3 वीक हो गया था दोस्तों मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रहा था। दोस्तों इसका रीजन दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं यहां पे आया था दोस्तों, ये देखिए खेतों के साइड दोस्तों आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों ये देखिए खेतों का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों अभी तो लगता है स्विमिंग पूल के आसपास में कोई गड्ढा वगैरह हो जाए, दोस्तों हम उसी के आसपास में जाकर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों भी डेली व्लॉग बना पा रहा था दोस्तों, इसका रीजन दोस्तों आप लोगों को इसी व्लॉग में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहे, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल के पास कोई गड्ढा वगैरह खोदे हैं दोस्तों नया तरीके से। यहाँ पे तो हम आए नहीं दोस्तों, किसके लिए खोदे यहाँ पे पता नहीं हमको। तो दोस्तों लगता है यानी कि दोस्तों अभी कुछ ही दिनों में अपना स्विमिंग पूल चालू होने वाला है। यानी कि दोस्तों जो स्विमिंग पूल में का पानी वगैरह रहता है ना दोस्तों, मैला पानी यानी कि दोस्तों जो खराब पानी होता है ना दोस्तों, उसी को यहाँ पे गड्ढा करने के लिए सोचे उन्होंने भी गड्ढा करके इसके आसपास में इधर आगे के साइड यहाँ पे पानी छोड़ेंगे। दोस्तों इसी के करने के कारण दोस्तों यहाँ पे खड्डा वगैरह खोदे दोस्तों लगभग GCP के कारण। दोस्तों हमने तो नहीं देखा यहाँ पे आके। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ का व्यू दिख रहा है दोस्तों स्विमिंग पूल का। ये देखिए यहाँ पे आगे का साइड सिंटेक्स टाकी वगैरह बहुत ही मस्त तरीके से। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं 3 वीक से डेली व्लॉग क्यों नहीं बना पा रहा था। दोस्तों आज के व्लॉग में आपको यही बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे स्कूल के एग्जाम चालू थे, यानी कि दोस्तों पढ़ाई वगैरह करना रहता ना दोस्तों, उसे मैं सारा दिन जा रहा था। सुबह को 7 बजे उठना दोस्तों, 8 बजे जाना और शाम को 7 बजे का टाइम आना, यही हमारा स्कूल का टाइम था दोस्तों। और उसके एक ही बात, और हमको साइकिल पर जाते हुए दोस्तों स्कूल को हम तो फोन लेके जाते थे दोस्तों, अचानक से हमारे साइकिल से फोन ही टूट गया, यानी कि दोस्तों डिस्प्ले ही टूट गया। दोस्तों उसके लिए हमने व्लॉग कोई नहीं बना पा रहे थे, तो हम अपने मोबाइल दुकान में दिए दोस्तों, मोबाइल शॉप में डिस्प्ले डलवाने के लिए। दोस्तों उन्होंने बताया कि 10-15 दिन का टाइम दे दो, हम अपना डिस्प्ले डलवा करके देंगे। दोस्तों हम कुछ करते नहीं हुए दोस्तों, हमारे पास कोई फोन वगैरह नहीं है दोस्तों, दूसरा फोन तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, Vivo T1 44W। दोस्तों यही फोन दोस्तों काफी 1 साल पुराना फोन होगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके लिया हुआ फोन दोस्तों हम लोग का। तो दोस्तों बहुत ही मस्त तरीके से हमने इसको खरीदा था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से। दोस्तों ये देखिए बहुत ही मस्त तरीके से इसका कैमरा क्वालिटी भी एकदम ठीक ठाक है दोस्तों। वैसे हम जा रहे थे दोस्तों, ये देखिए ऐसे ही रास्ते पर जा रहे थे दोस्तों व्लॉग बनाते हुए दोस्तों, ऐसे स्कूल को इधर से ही जाते वक्त दोस्तों हमारा फोन अचानक से साइकिल के ऐसे नीचे साइड दोस्तों हम व्लॉग बनाते जा रहे थे दोस्तों, अचानक हमारा डिस्प्ले ही टूट गया। दोस्तों हम बिना कुछ करते हुए दोस्तों गपचुप मोबाइल दुकान में ले जाकर दे दोस्तों, घर में वगैरह नहीं बताया हमारे डिस्प्ले टूट गया बोल के, न तो दोस्तों घर में तो हमको आने ही नहीं देते थे। दोस्तों लगभग इसको 3-4 साल से मैं बोल रहा था कि फोन लूंगा। दोस्तों फोन भी ले लिया, उसका डिस्प्ले ही अचानक टूट गया। दोस्तों उसका मेरा फोटो वगैरह है दोस्तों, मैं पहला कैसा था हमारा डिस्प्ले टूटा हुआ फोन दोस्तों, उसका नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।